Hello students, welcome back to AIIMS Education by Cerebral Academy. Myself Dr. Siddharth sir here, और हम आज वापस अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. सो लास्ट लेक्चर में आपको मैंने ये पढ़ाया था कि व्हाट इज मियोसिस, मियोसिस का इंट्रोडक्शन दिया था, और मियोसिस के इंट्रोडक्शन में हमने ये देखा था कि यहाँ पे एक सिंगल सेल जो डिप्लॉइड सेल है वो डिवाइड होके फोर हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बना रहा है, ओके. और ये दो स्टेजेस में होता है, दो सक्सेसिव डिविजन्स होते हैं, और इस टू सक्सेसिव डिविजन्स को मैंने कहा था मियोसिस वन एंड मियोसिस टू. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मियोसिस वन. सो आप जानते हैं फ्रेंड्स, कभी भी सेल डिवाइड होने से पहले किस फेज में जाता है, सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, और उस फेज को हम लोग कहते हैं इंटरफेस, जिसमें G1, S और G2. यस, चाहे वो सेल माइटोसिस में जाए या मियोसिस में जाए, सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा और इंटरफेस में जाएगा, जहां पे वो अपने डीएनए को डबल करता है, ओके. सो जो इंटरफेस है माइटोसिस के पहले और मियोसिस के पहले, वो बिल्कुल ही सेम होता है, ओके. और सिर्फ एक ही बार इंटरफेस होता है, चाहे वो माइटोसिस हो या मियोसिस हो. आपको इसमें ये नहीं सोचना है कि मियोसिस वन और मियोसिस टू में दो दो इंटरफेस हो रहा है, ऐसा नहीं है. मियोसिस में भी एक ही इंटरफेस हो रहा है और माइटोसिस में भी एक ही इंटरफेस हो रहा है, ओके. और देखेंगे हम लोग पूरे मियोसिस को दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे मैंने आपको बोला, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू, ओके. नाउ जैसे मैंने आपको कहा, कोई भी सेल डिवाइड होने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करता है, इसलिए मैंने यहां पे सेंटर में लिख दिया है इंटरफेस. तो जैसे ही जो भी सेल मियोसिस में जाने वाला है वो अपने आप को प्रिपेयर करेगा, इंटरफेस में जाएगा, अपने डीएनए को डबल करेगा, उसके बाद सेल जाएगा डिवीजन में, दैट इज मियोसिस वन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन, बिकॉज मियोसिस वन और मियोसिस टू में, मियोसिस वन वो स्टेज है जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं, ओके. और मियोसिस वन कंसिस्ट ऑफ कैरियोकाइनेसिस वन एंड साइटोकाइनेसिस वन. ऐसा आप जानते ही, अगर डिवीजन हो रहा है तो पहले न्यूक्लियर का डिवीजन होगा, देन साइटोप्लाज्म का. दैट्स व्हाई मियोसिस वन इज डिवाइडेड इनटू कैरियोकाइनेसिस वन एंड साइटोकाइनेसिस वन रिस्पेक्टिवली. और आप देखेंगे आफ्टर मियोसिस वन की कंप्लीशन के बाद मियोसिस टू है, जहां पे आप देखेंगे वंस अगेन कैरियोकाइनेसिस टू और साइटोकाइनेसिस टू हो रहा है. अभी आप फ्रेंड्स एक चीज नोट करेंगे यहां पे कि पूरे मियोसिस में सबसे बड़ा लंबा प्रोसेस, लॉन्गेस्ट फेज इज प्रोफेज वन. आप नोट कर रहे होंगे कि प्रोफेज वन में मैंने पांच अलग सब स्टेजेस यहां पे मेंशन किए हैं. व्हाई इट इज द लॉन्गेस्ट फेज फ्रेंड्स? बिकॉज मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि ये फेज में, प्रोफेज वन में क्या हो रहा है, प्रोफेज वन में होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग और उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, जिससे वेरिएशन आता है. तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन गैमेट फॉर्मेशन, जिससे वेरिएशन आता है, राइट. तो इसी के लिए आप देखेंगे कि मियोसिस वन में, कैरियोकाइनेसिस वन में पहला है प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन एंड टीलोफेज वन रिस्पेक्टिवली. लेकिन प्रोफेज वन जो कि सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, जो फाइव सब स्टेजेस में डिवाइडेड है, दैट इज लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस. सो डोंट वरी फ्रेंड्स, हम लोग ये सारे स्टेजेस प्रोफेज वन के डिटेल में वन बाय वन पढ़ेंगे, एंड देन हम आगे बढ़ेंगे इसमें. और आप देखेंगे मियोसिस वन कंप्लीट होने के बाद मियोसिस टू है. तो होता ऐसा है कि मियोसिस वन के एंड पे हमें एक सेल से दो सेल मिलते हैं जिनके अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, ओके. सो आफ्टर एंड ऑफ मियोसिस वन यहां पे एक सेल होगा, ओके. इमेजिन कीजिए हमने एक ह्यूमन सेल लिया है, यहां पे क्रोमोसोम टोटल है 46, और मियोसिस के एंड पे आपको मिलेंगे दो सेल्स. तो इमेजिन कीजिए मियोसिस वन के एंड पे आपको दो सेल्स मिल रहे हैं, ये लो दो सेल्स, लेकिन यहां पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जा रहा है. ये 2n इज इक्वल टू 46 था, अब ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 23, n इज इक्वल टू 23, टू सेल्स, टू हैप्लॉइड सेल्स. नाउ ये दोनों सेल्स आगे जाएंगे मियोसिस टू में, जहां पे कैरियोकाइनेसिस टू होगा, और इसमें भी चार स्टेजेस हैं, प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू, टीलोफेज टू. तो फ्रेंड्स यहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मियोसिस टू इक्वेशनल डिवीजन है, जैसे माइटोसिस होता है. माइटोसिस में आपने क्या पढ़ा था, एक सेल के दो सेल मिलते हैं, और मदर सेल और दोनों डॉटर सेल्स में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है. तो यहां पे अगर ये दोनों सेल्स मियोसिस टू में जाते हैं, तो ये दोनों सेल्स क्या करेंगे, और दो दो सेल्स प्रोवाइड करेंगे. तो ये एक सेल दो सेल बनाएगा, ये वाला सेल और दो सेल बनाएगा, तो आपको टोटल मिल गए चार सेल यहां पे, और ये चारों के चारों होंगे हैप्लॉइड सेल. n इज इक्वल टू 23,
n is equal to 23, n is equal to 23, and n is equal to 23. So ultimately, meiosis 2 के end पे आपको 4 haploid cells मिलने वाले हैं, जहाँ पे आपने शुरुआत की थी 2n is equal to 46 एक diploid cell को लेके. Meiosis 1 में हमने chromosome number half कर दिया और दो cell बनाए. तो ये हो गया reductional division. Meiosis 1 is known as reductional division. And after the reductional division, meiosis 2 में आप देखेंगे ये दोनों cells अपने आप को equally divide करते हैं. तो ये सेल और दो सेल बना देगा और ये वाला सेल और दो सेल बना देगा. तो इसे कहेंगे इक्वेशनल डिवीजन, जो सेम है माइटोसिस के जैसे. ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा एक मियोसिस वन का छोटा सा लुकआउट. अब मैं क्या करूंगा, मैं इस चीज को पूरी तरीके से रब करूंगा यहां पे और मैं डिटेल में बात करूंगा अब प्रोफेज वन के बारे में. ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे मैंने लिख लिया है, जैसे मैंने आपको बोला था कि प्रोफेज वन अब हम लिखेंगे. प्रोफेज वन के 5 सब स्टेजेस होते हैं. प्रोफेज वन सबसे लंबा स्टेज होता है पूरे मियोसिस का, और प्रोफेज वन में टोटल 5 सब स्टेजेस है. पहला सब स्टेज है यहां पे आपके सामने लेप्टोटीन स्टेज. कौन सा स्टेज? लेप्टोटीन. अभी ये नाम सुन के बड़ा अजीब सा लग रहा रहेगा, लेकिन घबराइए मत, जो भी बायोलॉजी के वर्ड्स होते हैं वो ग्रीक और लैटिन ओरिजिन वाले होते हैं, तो अगर आपको उसका मीनिंग समझ में आ जाए तो आपके लिए ईजी हो जाता है. ओके तो लेप्टो का मतलब होता है थ्रेड लाइक. ओके, वेरी थिन थ्रेड लाइक. सो यहां पे आप देखेंगे कि मैंने यहां पे एक सेल ड्रॉ किया है, ये इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और यहां पे आपको दो क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं. सो लेप्टोटीन में क्या हो रहा है, मैंने यहां पे लिखा है कि जो क्रोमैटिन है, ओके, द क्रोमैटिन विच कंटेन्स डीएनए, ये कंडेंस होके अपने आप को लॉन्ग थ्रेड लाइक और थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम में कंडेंस कर रहा है. यहां पे डिहाइड्रेशन होता है, स्पाइरलाइजेशन होता है, जिससे क्रोमैटिन जो है वो पतली थ्रेड जैसी क्रोमोसोम में कन्वर्ट होती है. हालांकि हर एक क्रोमोसोम की डुप्लीकेट कॉपी बन गई, आप जानते हैं एक ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, इंटरफेज हो चुका है, तो हर एक की डुप्लीकेट कॉपी बन गई है, लेकिन सबकी डुप्लीकेट कॉपी एक दूसरे को चिटकी हुई है. ओके, तो अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो हर एक क्रोमोसोम की कॉपी उसके साथ अटैच है, लेकिन हमें ये लेप्टोटीन में देखने को मिलता नहीं है. आप देख रहे हैं आपके सामने मैंने यहां पे एक रेड कलर का क्रोमोसोम और एक ब्लू कलर का क्रोमोसोम ड्रॉ किया है. हालांकि दोनों के क्रोमैटिड्स, यहां पे दो क्रोमैटिड्स हैं, लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा है बिकॉज यहां पे एक सिंगल थ्रेड जैसा अपीयर कर रहा है. और जैसे ही ये थ्रेड लाइक क्रोमोसोम बन जाते हैं, गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ती है और गाड़ी आगे जाती है लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन पे. वापस से हम जाइगोटीन का मीनिंग देखेंगे कि लेप्टोटीन मतलब थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स, जाइगोटीन का मतलब क्या? जाइगोटीन वर्ड डिराइव्ड है जाइगो, जाइगोट से. आप जानते हैं जाइगोट कैसे बनता है? जाइगोट बनता है दो गैमेट के फ्यूजन से. तो जाइगो का मीनिंग होता है योक और योक का मीनिंग होता है पैर. ओके, तो दो लोग यहां पे आसपास आ रहे हैं, पैर बन रही है, जोड़ी बन रही है, इसी के लिए वर्ड इसका यहां पर दे दिया गया है जाइगोटीन. कौन सी जोड़ी आ रही है भाई? लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था व्हाट डू यू मीन बाय होमोलोगस क्रोमोसोम्स. तो हमारे एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और 46 क्रोमोसोम जो है 23 हमारे मदर से और 23 हमारे फादर से मिला है. तो मैंने यही लिखा है यहां पे कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं इनकी पेयरिंग होना शुरू हो जाती है, तो 23 जोड़ियां बनना शुरू हो जाती हैं. 23 जोड़ियां कैसे बनती हैं? जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर और स्ट्रक्चरली सिमिलर जो क्रोमोसोम्स हैं, आपको मालूम है 23 क्रोमोसोम्स हैं, तो हर एक की कॉपी एक फादर से और एक मदर से आपको मिली है, तो ये साथ में जुड़ जाती है और इनको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स. तो आप यहां पे डायग्राम में नोटिस कीजिए, आप डायग्राम में देखेंगे मैंने एक जोड़ी बनाई है क्रोमोसोम्स की. आप एक चीज और नोट करेंगे कि लेप्टोटीन में पहले ये थिन थ्रेड लाइक दिख रहे थे, क्रोमैटिड्स हमको नहीं दिख रहे थे क्लियर कट. अभी आप देखेंगे ये ब्लू वाले क्रोमोसोम को देखिए, इसकी एक कॉपी इसके साथ अटैच है, ये एक नॉर्मल क्रोमैटिड है, ये इसकी दूसरी वाली सिस्टर क्रोमैटिड है. वैसे ही आप रेड क्रोमोसोम को देखिए, यहां पर एक क्रोमैटिड है और ये इसकी सिस्टर क्रोमैटिड है, तो यहां पे एक जोड़ी बन गई है. अब जोड़ी कैसे बनती है? जोड़ी उन क्रोमोसोम्स की बनती है जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर एंड स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं. और मैंने आपको एक और चीज बताया था, ये दोनों सेम टाइप के जीन्स कैरी करेंगे. तो होता ये है कि अलील्स के अट्रैक्शन की वजह से, किसके अट्रैक्शन की वजह से? अलील के. हर एक जीन के दो टाइप के अलील्स होते हैं कम से कम. ओके, तो यहां पर अलील के अट्रैक्शन की वजह से दो क्रोमोसोम्स जो सिमिलर जीन्स कैरी करते हैं एक दूसरे को आकर्षित होते हैं और अट्रैक्ट होते हैं. तो ये पहली जोड़ी बन गई, तो हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स है एक सेल में? 46. तो अगर ये ऐसी पहली जोड़ी है तो टोटल कितनी जोड़ियां बनेंगी? 23 पेयर्स.
So 23 pairs of homologous chromosomes human cell में बनेगा in zygotene. और आप नोटिस करेंगे जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट होते हैं यहां पे कई जगह ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनता है. इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को हम कहते हैं साइनेप्सिस. क्या कहते हैं? साइनेप्सिस. जो मैं आपको कह रहा था कि ये जो अलील्स हैं या जीन्स हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो यहां पे एक लैडर जैसा स्ट्रक्चर बनता है. ओके, तो लैडर जैसा स्ट्रक्चर बनता है और एक दूसरे को अट्रैक्ट हो जाते हैं, और अट्रैक्ट होने के बाद इस चीज को हम लोग कहते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. क्या कहते हैं? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. ओके, तो ये बन गया साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. ओके फ्रेंड्स, और अब ये स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे? यहां पे दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स साथ में हैं, अट्रैक्ट हो गए हैं, और जहां पे ये जुड़े हैं इसको कहते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. तो ये हो गया ऊपर का साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ये हो गया नीचे का. तो यहां पे फिलहाल मैंने आपको दो ही जगह पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिखाया है, वैसे मल्टीपल जगह पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनता है. ओके, एक चीज आप और नोटिस करेंगे, यहां पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनता है वो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में नहीं बन रहा है, ये दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में बन रहा है. ब्लू ब्लू को नहीं चिटक रही है और रेड रेड को नहीं चिटक रही है, रेड और ब्लू एक दूसरे को अट्रैक्ट हो रहे हैं बिकॉज ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं. तो इनके बीच में ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है. तो ऐसी 23 जोड़ियां बनती हैं अगर ये ह्यूमन सेल है जाइगोटीन में, और ऐसे हर एक जोड़ी को ऐसे स्टेज पे हम लोग कहते हैं बायवैलेंट. क्या कहेंगे? बायवैलेंट. तो अगर हमको पता करना है कि एक सेल के जाइगोटीन में कितने बायवैलेंट होते हैं, तो आपको पता रहना चाहिए कि एक सेल में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. जैसे ह्यूमन सेल में हम जानते हैं 46 क्रोमोसोम होता है, तो बायवेलेंट अगर आपको जानना है तो डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो टोटल कितने बन जाएंगे? 23 जोड़ियां बन जाएंगी, जिसको हम कहेंगे 23 बायवेलेंट. अच्छा, बायवेलेंट को हम टेट्राड भी कहते हैं. क्यों? बिकॉज आप नोटिस करेंगे एक बायवेलेंट में, एक जोड़ी में टोटल 4 क्रोमैटिड्स नजर आ रही है, दो रेड की दो ब्लू की, इसलिए हम इसे टेट्राड भी कहते हैं. तो यह हो गया आपका जाइगोटीन स्टेज, और zygotene would be followed by the next stage, which is the pachytene stage. Okay, friends, pachytene stage भी बहुत important है, because ये जुड़े क्यों? क्यों जुड़े ये? ये जुड़ने का कारण ये होता है कि genes के बीच में अब exchange होगा, जिससे क्या होगा? Variation आएगा. जैसे समझ लीजिए, अगर यहां पे पापा का ब्लड ग्रुप वाला फैक्टर है, ये ए ब्लड ग्रुप के हैं, मम्मी बी ब्लड ग्रुप की हैं, तो कुछ एक्सचेंज होएगा और ए और बी जीन्स के बीच में कुछ एक्सचेंज होगा. ऐसे बहुत सारे जीन्स होते हैं, आई कलर, हेयर कलर, स्किन, इंटेलिजेंस, तो सब जीन्स के बीच में एक्सचेंज होगा, जो होता है पैचीटीन में. और पैचीटीन के बाद ये जो क्रोमोसोम्स हैं कुछ अलग ही रूप लेते हैं, इनके जीन्स में हल्का सा वेरिएशन आ जाता है, जिसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन. तो ठीक है, समय नहीं व्यर्थ करते, इसको हम रब करते हैं फटाफट और लिखते हैं पैचीटीन के बारे में. ओके फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी जाइगोटीन देखा, और जाइगोटीन में क्या देखा? जाइगोटीन में ये देखा कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आमने सामने आते हैं, इनकी पेयरिंग होती है, और गाड़ी यहां से आगे बढ़ती है नेक्स्ट स्टेज में, जिसे हम लोग कहते हैं पैचीटीन. तो प्रोफेज वन का जो थर्ड स्टेज है, सब स्टेज, वो है पैचीटीन. नाउ पैची का मतलब क्या होता है? पैची का मतलब होता है, इट्स अ ग्रीक वर्ड डिराइव फ्रॉम पैचेस, मींस थिकनिंग. तो यहां पे जो क्रोमोसोम्स है हमारे, ये जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ये और शॉर्ट, थिक और कंडेंस होते हैं, और यहां पे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में ट्विस्टिंग होती है. तो होता ऐसा है कि ये जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये एक दूसरे को लपेट लेती हैं, और कई जगह आपने देखा था साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना था. क्या बना था? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. तो इफ यू सी पैचीटीन, यहां पर क्रोमोसोम फर्दर कंडेंस हो रहा है, शॉर्ट और थिक हो रहा है. क्रोमोसोम्स जो हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये और कॉम्पैक्ट होते हैं, और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है. क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर. सो यू हैव सीन दैट कि जब साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है और फर्दर ट्विस्टिंग होती है, यहां पे आप देख रहे हैं दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं. अभी यहां पे मैंने खाली डायग्राम के लिए एक क्रॉसिंग दिखाया है, वैसे यहां पे मल्टीपल क्रॉसिंग एट पॉइंट्स होती हैं. ओके, सो मल्टीपल जगह क्रॉसिंग ओवर होता है, जीन्स का एक्सचेंज होता है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम यहां पे रिक्वायर्ड है, जिसका नाम है रिकॉम्बिनेज एंजाइम. तो विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेज एंजाइम, बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स एक्सचेंज होता है जीन्स का. ओके, और इससे क्या होगा? इससे जब ये क्रोमोसोम बाद में सेपरेट होंगे,
तो दोनों क्रोमोसोम में जो जीन्स है उसमें थोड़ी सी वेरिएशन आ जाती है और इसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर या काइजमाटा बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होता है। मैंने यहां पे एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम ड्रॉ किया है, ऐसे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम साथ में आते हैं और इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है जिससे वेरिएशन आता है जीन्स में। ओके फ्रेंड्स, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज भी है प्रोफेज वन का। आपने नोट किया रहेगा कि पूरे मियोसिस में प्रोफेज वन सबसे लॉन्गेस्ट है और प्रोफेज वन में जो पैचिटीन स्टेज है वो सबसे लॉन्गेस्ट है। तो हमने यहां पे ये देख लिया कि पैचिटीन क्या हो रहा है, यहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है जिस पॉइंट को हम काइजमाटा कहते हैं। तो जो पॉइंट पे यहां पे क्रॉसिंग ओवर है उसे काइजमाटा कहते हैं। और आफ्टर पैचिटीन जब क्रॉसिंग ओवर हो गया, इसके बाद गाड़ी आगे बढ़ती है नेक्स्ट स्टेज में जो है सब स्टेज ऑफ प्रोफेज वन, दैट इज डिप्लोटीन। तो हम ये करते हैं, इसको फट से रख करते हैं यहां पे और मैं फिर आगे लिखूंगा डिप्लोटीन के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो आपने भी देख लिया पैचिटीन क्या होता है। पैचिटीन के अंदर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में और मल्टीपल पॉइंट्स पे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है। अब एक बार जब क्रॉसिंग ओवर हो गया, ओके, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में एक्सचेंज हो गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया जिससे थोड़ी बहुत वेरिएशन भी आ गई, अब इसे समाप्त करना है। ओके, आफ्टर रिकॉम्बिनेशन नेक्स्ट स्टेज जो होता है पैचिटीन का वो तुरंत जाता है डिप्लोटीन स्टेज में। कौन से स्टेज में? डिप्लोटीन स्टेज में। नाउ क्या हो रहा है डिप्लोटीन में, हम लोग अगर देखेंगे तो डिप्लोटीन में आप नोटिस करेंगे जो भी क्रॉसिंग ओवर पॉइंट्स थे अब वो धीरे धीरे अपने आप को सेपरेट करने की शुरुआत करते हैं, जो भी ट्विस्टिंग पूरी हुई थी वो धीरे धीरे सेपरेट होना शुरू हो जाती है। सो इन डिप्लोटीन जो होमोलोगस क्रोमोसोम रहते हैं जो पहले इतना एक दूसरे पे ट्विस्ट हुए थे अब ये सेपरेट आउट होना शुरू हो जाते हैं, दे स्टार्ट टू रिपेल ईच अदर। ओके, बट एट सम पॉइंट्स कुछ क्रॉसिंग ओवर पॉइंट्स पे ये अभी भी अपने आप को अटैच रखते हैं और इसके अंदर क्या हो रहा है साइनाप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स भी डिसॉल्व हो रहा है। तो आप नोटिस करेंगे जाइगोटीन में साइनाप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन रहा था तब हमने उसे साइनाप्सिस कहा था, अब क्रॉसिंग ओवर के बाद ये साइनाप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स सेपरेट हो रहे हैं तो इसे कहेंगे डीसाइनाप्सिस। और डिप्लोटीन के साथ साथ ही तुरंत क्या फॉलो होता है डायकाइनेसिस जो प्रोफेज वन का लास्ट स्टेज है। तो आप देखेंगे मल्टीपल पॉइंट्स पे जहां पे ये अटैच है एक दूसरे को सेपरेट करना शुरू कर देते हैं। ओके, इन डिप्लोटीन डिसोल्यूशन ऑफ साइनाप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स और सेपरेट होते 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 लास्ट में आप देखेंगे जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है जो काइजमाटा पॉइंट है वो एकदम टर्मिनल एंड पे आ जा रहा है, इसे कहते हैं टर्मिनलाइजेशन। सो एज अ डीसाइनाप्सिस जैसे यहां पे साइनाप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो रहा था डीसाइनाप्सिस प्रोसीड होता है आगे, क्रॉसिंग ओवर पॉइंट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द टर्मिनल एंड। तो यहां पे क्रॉसिंग ओवर पॉइंट एकदम एंड पे आ गया, इसे कहते हैं टर्मिनलाइजेशन। ओके, तो टर्मिनलाइजेशन होने के बाद यहां पे डायकाइनेसिस खत्म होता है। तो बट ऑब्वियस है गाड़ी प्रोफेज वन से अब आगे जाएगी मेटाफेज वन में और साथ साथ में यहां पे मियोटिक स्पिंडल अपैरेटस बनना शुरू हो जाता है। तो यहां पे मियोटिक स्पिंडल अपैरेटस बनना शुरू हो जाएगा, सेंट्रियोल्स रिस्पेक्टिव पोल पे जाएंगे और साथ में न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व होना शुरू हो रहे हैं। तो यहां पे आपने ये देखा कि प्रोफेज वन में डायकाइनेसिस तक हम लोग बात करते हैं। तो यहां पे हमने लेप्टोटीन जाइगोटीन पैचिटीन डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस सारे सब स्टेजेस प्रोफेज वन के देख लिए। तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मेटाफेज वन एनाफेज वन और टीलोफेज वन में क्या होता है। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज लाइक बटन दबाइए और अगर आपको कोई डाउट डिफिकल्टी या आपको ऐसा लगता है मैंने कहीं कुछ गलत बोला है या आपकी कोई एक उलझन है या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं ये वीडियो और बेल बटन दबा के हमारे चैनल AIIMS एजुकेशन बाय सेरेब्रल एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।